हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2023 है। आप चेक करेंगे सोशल मीडिया पर काफी सारा इस टाइप की चीजें वायरल हो रही है कि ये जो डेट है ये एक्सटेंड हो गई है। मैं डायरेक्ट आपको उस नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है। पहले आप समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है? इस वाली वेबसाइट से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है। दूसरा, ये जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, बट जब आप चेक करेंगे कि जो इनकम टैक्स में पैन कार्ड होता है और उसको आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक करनी है। पहले इस वाली वेबसाइट पर आप नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा। मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर आपको लेकर चलता हूं। उसमें क्या लिखा हुआ है कि डेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी है। मतलब इन्होंने क्या है, यहां पर 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। पर पहले आप समझ लीजिए कि जो नोटिफिकेशन है इसमें जो डेट का एक्सटेंशन आया है क्या वो पैन कार्ड से रिलेटेड है, कि पैन कार्ड आधार कार्ड को जो लिंक करने की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024। ऐसा काफी ज्यादा न्यूज में आप देख रहे होंगे या फिर जब आप सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे होंगे तो आपको इस टाइप की नोटिफिकेशन में कि ये नोटिफिकेशन आई हुई है 21 मार्च की ये नोटिफिकेशन है, ठीक है? बट यहां पर एक नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी पहले भी एक नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस वाली नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है? यहां पर जाकर आप एक बार इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन की जो मेन नोटिफिकेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है वो पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये रही इसकी मेन नोटिफिकेशन। इसमें यहां पर क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने 17 जून 2022 को ये नोटिफिकेशन के थ्रू यहां पर ये कहा था कि आपको 1 अप्रैल 2023 से पहले एवरी पर्सन हुज नेम इज इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल, मतलब आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड है तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर का इंटीमेशन करना है। मतलब वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने की जो डेट थी वो 1 अप्रैल 2023 थी, ठीक है? जो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने की डेट है वो है 31 मार्च 2023। तो ये वाली जो डेट है और पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग की जो डेट है उसका आपस में कोई भी लिंक नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी लिंक नहीं है। तो ये एक तरह से पूरी की पूरी जो भी आप जहां से भी रीड कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे वो फेक न्यूज चल रही है कि ये डेट एक्सटेंड हो गई है। देखिए, अगर आपको डेट एक्सटेंशन की कोई भी न्यूज चेक करनी हो तो आप जो है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करें। मैं डायरेक्ट आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। तो ये रही इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, आप नोट कर लीजिए www.incometaxindia.gov.in। ये मेन वेबसाइट है, इस पर यहां पर आप चेक करेंगे तो नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। जितने नोटिफिकेशन रूल सर्कुलर है सब कुछ यहीं पर आते हैं, ठीक है? तो इसमें यहां पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहां पर कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है। फिर ये वो वाली वेबसाइट है इनकम टैक्स की, www.incometax.gov.in, जहां पर आपको लिंक करना है। और यहां पर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है लिंक पैन आधार अनलिंक पैन विल बिकम इनऑपरेटिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो बिल्कुल 100% कंफर्म है, अभी तक कोई भी डेट जो है वो एक्सटेंशन नहीं है। और इस वेबसाइट पर भी ये न्यूज मिलेगी आपको, और जो ये वाली नोटिफिकेशन वाली वेबसाइट है यहां पर भी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, देखिए यहां पर जो है 14 मार्च 2023 के बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए किसी फेक न्यूज पर आप बिलीव मत कीजिएगा। आप तुरंत के तुरंत इस वाली वेबसाइट पर जाकर अपने पैन कार्ड को लिंक कर लीजिएगा। पैन कार्ड को लिंक करने के लिए मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सिपुनी जैन का नाम से चैनल मिलेगा। मैंने यहां पर रिसेंटली काफी सारी वीडियो अपलोड किया है पैन कार्ड आधार कार्ड से रिलेटेड, ठीक है? और ये जो दूसरी वाली फेक न्यूज चल रही है कि बिना 1000 रुपए की लेट फीस पे करे आप जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लेंगे, उस पर भी बिलीव मत कीजिएगा। क्योंकि वो जितने भी तरीके हैं वो सब फेक हैं और आपको रियल तरीके से ही जाना है। ऐसा नहीं हो कि आपको 1000 रुपये आपको सेव करने के लिए 10000 रुपये तक की पेमेंट करनी पड़ जाए या फिर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाए, उसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम आए फ्यूचर में, क्योंकि नया पैन कार्ड भी आपको जल्दी से अलॉट नहीं किया जाएगा। ये चीज में आप कंफर्म रहिएगा। दूसरा, काफी ज्यादा एरर इस चीज की आ रही है कि सर हम यहाँ से ईवे टैक्स क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर हमने अपना चालान को पे कर दिया, ठीक है? चालान को पे करने के बाद क्या हुआ, पेज एक्सपायर हो गया। तो आपको पेज एक्सपायरी की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कभी भी आप जो है डायरेक्ट लिंक मत कीजिएगा, क्योंकि साइट पे भी लोड काफी ज्यादा है। इसीलिए बेटर है कि आप चालान भरें या पैन कार्ड को लिंक करें, दोनों चीजों के लिए मैं बता रहा हूं। पहले यहां से लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के लिए अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर 2 सेकंड का प्रोसेस है, केवल आपको पैन नंबर डालना होता है, बेसिक डिटेल्स वेरीफाई करानी होती है, पासवर्ड आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जब ये लॉगिन हो जाए उसके बाद आपको पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना है करने के बाद।
ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन जो है, जब आप इसको एक्सेस कर रहे हैं तो पेज एक्सपायर हो रहा है। इस टाइप की आपको मिस्टेक नहीं करनी है कि 1000 रुपए डिडक्ट हो रहे हैं, मेरे पास काफी सारे ईमेल्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर इसका क्या करें। तो इसके लिए जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कि आप किस तरह से उसको रिफंड कर सकते हैं, रिफंड पॉसिबल भी है या नहीं है। अभी फिलहाल के लिए आप जो है यहां से डायरेक्ट लिंक मत करिए, क्योंकि साइट पे लोड ज्यादा है। आप लॉग इन करके उसके बाद ही यहाँ पर लिंक कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, इसी टाइप के काफी सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।